हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 10dg.com। मैं हूँ वर्षा। वोडाफोन आइडिया ने कंडक्ट किया एक ट्रायल रन ऑफ 5G इंटरनेट एट MG रोड स्टेशन इन बेंगलुरु नम्मा मेट्रो ऑन July 28। इस ट्रायल के बाद वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस किया कि उन्होंने 1.2 GBPS तक की डाउनलोड स्पीड देखी ऑन अ मोबाइल हैंडसेट एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। सो वोडाफोन आइडिया कंडक्ट कर रहा है ट्रायल ऑन यूसेज ऑफ स्ट्रीट फर्नीचर फॉर स्मॉल सेल्स एंड एरियल फाइबर डिप्लॉयमेंट एट मेट्रो स्टेशन इन बेंगलुरु। ये उन्होंने मिलके किया एज अ पार्ट ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट बाय ट्रायल। सो स्ट्रीट फर्नीचर सच एज इलेक्ट्रिक पोल्स, फुट ओवर ब्रिजेस एक्सेट्रा, और ये सब यूज हो रहा है टू टेस्ट द 5G इंटरनेट स्पीड इन दिस प्रोजेक्ट। और अगर ये जो टेस्ट है ये सक्सेसफुल रहा तो ये प्रोजेक्ट यूज होगा 5G डिप्लॉयमेंट में इन अदर मेट्रो स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। सो इस ट्रायल के चलते ये माना जा रहा है कि नेटवर्क जो है वो 50 टाइम्स बेटर देखा गया जो कि नॉर्मल 4G इंटरनेट स्पीड है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रेडिएट करेगा 200 मीटर रेडियस तक स्टेशन के अंदर। और आपको एक और चीज बता दें कि नम्मा मेट्रो जो है वो फर्स्ट हैव इन प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू इट्स कस्टमर्स 2013 से। पहले उन्होंने बेसिक इंटरनेट प्रोवाइड किया था इन अ मेट्रो ट्रेन दैट ट्रैवल्स बिटवीन बायापन्नाहल्ली मेट्रो स्टेशन टू MG रोड मेट्रो स्टेशन। सो इसी के चलते मान सकते हैं कि वी भी 5G नेटवर्क की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वी कस्टमर्स को भी जल्दी 5G नेटवर्क यूज करने को मिलेगा। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल 10dg। मिलती हूँ जल्दी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय गाइज।